मेरा नाम स्नेहा कुमारी है और मैं कक्षा आठवीं की छात्र हूँ और मैं सबसे पहले आपको एक शख्स से मिलवाना चाहती हूँ जो मेरे रिस्पेक्टेड टीचर है, तुम्हें के लिए सबसे पहले मैं वेलकम है सर। थैंक यू। और मैं स्टूडेंट जो आपके स्टूडेंट हैं उनका कुछ क्वेश्चन है जो आपको देना है। okay. तो सबसे पहले क्वेश्चन है मोनालिका का कि आपको गाना गाना क्यों पसंद है और आपने अपनी लाइफ में टीचर बनना ये क्यों पसंद किया? देखिए, मेरे लिए गाना उसी तरह से है जैसे किसी मछली को पानी की आवश्यकता होती है और मैं अपने जीवन में संगीत से बहुत ज़्यादा स्नेह करता हूँ, दुलार करता हूँ, प्रेम करता हूँ और संगीत को बड़ा इज्जत करता हूँ, अच्छे संगीत का, चाहे वो किसी भाषा में। लेकिन सवाल है कि मुझे गाना गाना क्यों अच्छा लगता है, तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति अगर अपने शरीर को फिट करने के लिए, फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करता है, उसी तरह से यदि हमें अपने ब्रेन को हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है, फिट रखना है, तो हमें संगीत के माध्यम से अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को संतुलित रखना होगा। इसलिए मैं संगीत को हमेशा अपना पहला प्रायोरिटी रखता हूँ और कहीं भी मैं जाता हूँ तो संगीत से मैं अपना एक अलग पहचान बनाता हूँ। ऐसे संगीत की बात करें तो मेरे पूरे फैमिली में संगीत का बहुत ज़्यादा क्रेज रहा है। हमारे दादाजी, उनका मैं नाम एक बहुत रेस्पेक्ट के साथ लेता हूँ, स्वर्गीय श्री पारसनाथ मिश्रा, जिन्होंने रेडियो स्टेशन में अपना शास्त्रीय संगीत के माध्यम से अपना कला प्रदर्शन किया था और वो खून में जो संगीत है, हमारे पिताजी, हमारे चाचा श्री रंजन देव मिश्र जो कि प्रधानाध्यापक हैं, थे, कुछ दिन पहले रिटायर किए हैं, उनका भी संगीत में काफ़ी रुचि रहा है। और साथ में मेरे जो सात बहनें हैं, इसमें से भी छः बहन हैं, वो छह बहन वो संगीत में काफ़ी अभिरुचि रखती है और साथ में उन लोगों को भी संगीत से बहुत ज़्यादा नाता है। फिर एक होता ना कि जीन्स में जेनेटिक्स जो होता है वो संगीत से है। बस यही था। और कोई सवाल था तो उनको पता याद नहीं है। और मोनालिका मेरा टीचर बनना बचपन से तो सपना नहीं रहा है, लेकिन टीचर इसलिए मैं बना क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं जहाँ भी पढ़ाऊँगा एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में मुझको पढ़ाना है और अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए आपको बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। और मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूँ कि जब मैं 2011 में TCC कोचिंग खोला था और छोटे छोटे बच्चों को जब पढ़ाना शुरू किया था, हिंदी मीडियम के बच्चा, हिंदी मीडियम का मैं छात्र था और वहाँ से अंग्रेजी को मैं शुरू किया अपने पिताजी के बताए मार्ग पर। वो हमेशा जाते थे सप्ताह में 7 दिन में, एक आध दिन मसौढ़ी जाते थे तो वो एक पुस्तक इंग्लिश कराते थे। उस सिचुएशंस में मुझे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा अभिरुचि हुआ। साथ में एक और टीचर बनना मेरे लिए एक और था कि भाई मेरे परिवार का आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा थी, मुझे मेरे पेरेंट्स मुझे पैसा नहीं दे पा सकते थे, इसलिए मैं अपने पढ़ा करके खुद पढ़ने का प्रयास किया। और अगर आपको पढ़ाई से ही पढ़ाई करना हो तो सबसे अच्छा है आप बच्चों को पढ़ाइए और उससे पैसा जो मिलेगा उससे पढ़िए। और अगला क्वेश्चन है कुसुम का क्लास 8 से कि आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है, बॉय और गर्ल में दोनों में? अगर मैं नहीं हूँ तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं आपकी प्रिय छात्र बन सकूँ? देखिए, प्रिय स्टूडेंट या फिर कोई अच्छा स्टूडेंट कौन है उसका नाम, ऐसे तो मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों से मैं हमेशा मिला हूँ और पढ़ाया भी हूँ और मेरे जीवन में वो सबसे अच्छा विद्यार्थी है जो हमेशा अपने पेरेंट्स और अपने शिक्षकों का जो सम्मान करता है। अब शिक्षकों का सम्मान शिक्षक के दिवस के दिन अगर कोई करता है और उसके बाद अगर कोई शिक्षक बेटा जाए या फिर उसी शिक्षक का अगर हम शिकायत करते हैं, बुराई करते हैं, तो इस परिस्थिति में आप कैसे समझें कि शिक्षकों का आप सम्मान करें? तो रही बात मेन सवाल है कि भाई आपका सबसे फेवरेट स्टूडेंट कौन है, तो मेरे लिए फेवरेट वो सारे स्टूडेंट हैं, मैं एक को फेवरेट नहीं मानता, मेरे लिए वो सारे फेवरेट हैं। अगर मैं एक का नाम लूँगा, ऐसे तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं और जिनको मेरे ऊपर विश्वास है कि धनंजय मिश्रा
उनके द्वारा जो बताया गया है उससे मेरा सफलता होगा, मुझे पढ़ाई में मदद मिलेगी। वैसे विद्यार्थी मेरे लिए सबसे अच्छा है, सबसे मेरा फेवरेट है, और बाकी कई सारे फेवरेट होते हैं और फेवरेट खत्म भी होते हैं। आप ही लोग देखिए, आपका अगर फेवरेट कोई सब्जी है, मान लो फूल गोभी, और आप लगातार उसको यूज कर रहे हो, कुछ दिन बाद आपको भी लगता है उसका हम सेवन ना करें। उसी तरह स्टूडेंट का आजकल मार्केट में है, अगर मैं स्टूडेंट से पूछूं कि आपका फेवरेट टीचर कौन है, तो स्टूडेंट तुरंत अल्टीमेटली बोलेगा कि या बोलेगी कि आप ही हैं। आपको भी देखिएगा, आपके टीचर जब आपको बोले कि अपने प्रिय शिक्षक पर एक निबंध लिखिए, तो देखो बच्चा किसका नाम लिखता है। पूरे क्लासरूम में से लगभग 90% का स्टूडेंट जो होगा वो उसी शिक्षक का नाम लिखेगा जो उस क्लासरूम में है। भले वो जब शिक्षक अपने क्लासरूम से चल जाए तो बोलेगा कि सर के डर से हम लिखते। तो फेवरेट विद्यार्थी मेरे लिए वो है जो अपने माता पिता की बातों को मानते हैं और गलत कार्य नहीं करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, वेद बाबू को सबसे पहले सरकारी संस्थान में नाम लिखाने का अब समय आ चुका है, और उसका वास्तव में सरकारी संस्थान में LKG UKG शायद नहीं होता है, मुझे ऐसा पता है, 1-2 से क्लास चलता है, या फिर होता भी होगा, तो मैं ये प्रयास करूंगा कि वेद बाबू को सरकारी विद्यालय का ही छात्र है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में BPSC से पास होकर के आपके शिक्षक अब जाएंगे। तो इन सब संस्थानों में शिक्षकों का कोई दम नहीं रहा, ना कोई क्वालिटी है, ना इनके पास कोई टैलेंट है, ना इनके पास कोई पढ़ाने का वो जुनून है। पैसे के चक्कर में, बेरोजगारी के चक्कर में एक शिक्षकों का एक पद को धूमिल कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो प्राइवेट संस्थान में कम पैसा दे करके और बिना कोई परीक्षा, बिना कोई इंटरव्यू या फिर बिना कोई साक्षात्कार लिए किसी शिक्षक को सेलेक्ट करते हैं, तो उससे सबसे अच्छा मैं आप सभी लोगों को राय दूंगा कि सरकारी संस्थान से जुड़िए और सरकारी विद्यालय में पढ़िए, क्योंकि वो लाखों में एक चुन करके आपके बीच आ रहे हैं, पढ़ाएंगे। बिल्कुल, मेरा जीवन में बहुत सारा सपना है। मेरा सबसे पहला एक सपना है कि मैं अपने TCC कोचिंग को AC रूम से सजा दूं और मेरे बच्चे जो है वो AC में पढ़ें। और दूसरा मेरा सपना है जीवन में कि मैं अपने कोचिंग में किसी बच्चा से एडमिशन फी ना लूं, मेरा एक सपना है। यदि मुझे सरकारी जॉब लगती है, मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं अपने संस्थान में जो भी बच्चे आएंगे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। मैं अपने संस्थान के लिए और बता रहा हूँ कि मैं अपने संस्थान को बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ। TCC कोचिंग को एक ब्रांडेड कोचिंग बनाना चाहता हूँ, जिसमें वैसे बच्चों का नामांकन हो जो पैसा नहीं दे सकते हैं और पढ़ने लगते हैं। इसके लिए मेरा प्रयास है, और मेरा जहाँ तक BPSC एग्जाम है वो कैसा गया, इसका रिजल्ट जब आएगा तो एक बार फिर से मैं स्नेहा के साथ या कोई और विद्यार्थियों के साथ इंटरव्यू जरूर एक बार दूंगा, और वो क्षण काफ़ी अद्भुत रहेगा, सभी के लिए एक काफ़ी इंस्पायरिंग रहेगा। तो कुल मिला जुलाकर मेरा यही सपना है, मेरा एक सपना है, और कैसे तो संगीत है कि मेरा एक सपना है कि 30 CC को मैं AC वाला रूम में बना दूं, कन्वर्ट मुझे करना है, बस एक सपना मेरा बचा। अब क्वेश्चन है ऋतु का कि हमारे क्लासरूम में जो कोई भी एग्जाम होता है, क्या उसमें पोजीशन और मार्क्स इम्पोर्टेंट करता है? अगर करता है तो क्यों, अगर नहीं करता है तो क्यों? क्लासरूम में अगर आपका कोई टेस्ट हो रहा है तो उसके पोजिशंस से आपको, अगर आपका कोई पोजीशन कम आ रहा, सबसे एकदम लो आ रहा पोजीशन, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लो पोजीशन और हाई पोजीशन से केवल यही दर्शाता है कि आप मेहनत नहीं किए हैं। अगर जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसका पोजीशन हमेशा एवरेज में रहता है, तो पोजीशन मायने करता है एग्जाम से, लेकिन बच्चों के ब्रेन का हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते।
एग्जाम केवल एक सेलेक्टेड बच्चों के बीच में अच्छा ढूंढने का एक माध्यम है। एग्जाम से ब्रेन को शार्पनेस और आईक्यू अच्छा पहचानने वाला कोई यंत्र मेजरमेंट का कोई क्या बोलते हैं इक्विपमेंट नहीं है। अगर आप क्लास टेस्ट देते हैं तो उससे आप अपने मेहनत को केवल जस्टिफाई कर रहे हैं। क्लासरूम टेस्ट केवल आपके लेवरनेस को केवल बताता है, दर्शाता है, डिफाइन करता है, बाकी क्लास टेस्ट का कोई मतलब नहीं। अगर मेरा पोजीशन सबसे लास्ट का है वही आपका सबसे अच्छा मित्र है, वो लास्ट पोजीशन आपको सिखा रहा है कि आप घर पर बिल्कुल मेहनत नहीं किए हो। जो मेहनत कर रहे हैं वो आगे रहेंगे। तो क्लास टेस्ट केवल आपके मेहनत को दर्शाता है। ब्रेन को मापने का टेस्ट जो है कोई मापन यंत्र मापन विधि नहीं है। बस सिंपल कर रहा है। देखिए बीपीएससी एग्जाम का अलग मैटर है। बीपीएससी का एग्जाम अगर निकलता है आप लोग मनाइए तो उससे कोचिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोचिंग चलते रहेगा और ये संस्थान कभी नहीं मर सकता, क्योंकि आप लोग जैसे विद्यार्थियों का एक जज्बा है, जुनून है, आप लोग का समझिए कि एक अपने जीवन से जुड़ा हुआ एक परिवार की भांति एक टीसीसी कोचिंग है। इसको बंद करने का मतलब है मेरे अंदर का सांस मर जाना। इसी कोचिंग कभी बंद नहीं हो सकता। टीसीसी कोचिंग में जहां अगर सवाल आए कि भाई यूपीएससी निकल गया तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो बाकी कुछ टीचर्स से भी कुछ इनसे चलता है। और रही बात तो बहुत सारा ऐसा दिन होगा जिसमें हम आकर के भी क्लास ले सकते हैं। तो कोचिंग को बंद करने का कोई मेरा अभी तक दूर दूर तक कोई इरादा है नहीं। और देखिएगा इस कोचिंग को संभालेगा, इसी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे ही संभालेंगे आगे चलकर। हो सकता है आगे मेरे पास कुछ ऐसा आइडिया है वो आगे शेयर होगा, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड फील आया हाल ही में एक बार मैं डीएवी में जब सैलरी मुझे मिला और मैं अपने माताजी को उस सैलरी में से कुछ पार्ट्स निकाल करके और सबसे पहले दिया और माताजी को मैं बैठ हुआ, उस समय मुझे बड़ा गर्व की अनुभूति ही प्राउडनेस फील हुआ कि मैं अपने कमाई कैसे मैं कोचिंग से जितना भी पैसा ले जाता हूँ उन्हीं को देता हूँ। लेकिन वो अलग था, एक नौकरी का एक सुकून था माता जी के लिए, तो वो मैं दिया तो मुझे सबसे अच्छा था। अब लास्ट क्वेश्चन अभिषेक का है टीसीसी के सफर के बारे में। टीसीसी का सफर कैसा रहा? टीसीसी का जर्नी काफी एकदम भयावह है। एक आध बच्चा से शुरुआत होकर के बहुत दूर तक हम लोग पहुँच गए हैं। लेवल अब हम लोग क्रॉस कर गए हैं, केवल लेवल क्रॉस कर गए हैं, केवल अब बाकी कितना है तो हम लोग को बस मेहनत करना। इससे छूट से कोई बच्चा एटीएम निकल जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई आईएएस निकल जाए, जैसे ही ऐसा होगा उसके बाद टीसीसी का एक बार और राउंड होगा,